الفريق للفرد الوحيد. कोई ऐसी महफल जिसमें बेशक रबरब हो गए या क्यूम हो गए अलहमदुल्ला हो गए सुभानक या नजीम हो गए सुभानक या आला हो गए तिलावत कुरान हो गए दरस हदीस हो गए जिक्र मुस्तफा ना हो गए उससे जब बंदे निकलेंगे कोई महफल हो गए छोटी हो गए कुछ भी ना हो गए जिक्र मुस्तफा हो जब उससे बंदे निकलेंगे तो फिर अर्ज करेंगे या अल्लाह ये आए थे काले मुंह वाले थे अब ये दुरानी बन के जा रहे हैं तो मैं जिक्र मुस्तफा सुन के जा रहा हूँ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ करम की भी मिले तो हयात बनती है हजूर आप नवाजें तो बात बनती है मिले जो इज़्ज़त सना का तो लफ्ज मिलते हैं वो जो आपकी मर्जी तो नाद बनती है हजूर आप नवाजें तो बात बनती है जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने उसे वसीला बनाओ तो बात बनती है हजूर आप नवाजें तो बात बनती है तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो खालिक भी है जो मालिक भी है जो राजक भी है जो रब भी है तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने सारी कायनात को बनाया और तमाम दरूद उस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के सारी कायनात बना के जिसके कब्ज़ा कुदरत में अता कर दी फिर तमाम तारीफें उसके लिए जिसने तरह तरह की नेमतें बनाई फिर सारी की सारी नेमतें बनाने के बाद अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को तकसीम करने वाला बना दिया तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए कि जिसने पुल सरात बनाया और तमाम दरूद उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कि पुल सरात बनाने के बाद पुल सरात से गुजारने वाला मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बनाया तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए कि जिसने रोज़े महशर का मैदान सजाना है और तमाम दरूद उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि रोज़े महशर का जो मैदान सजाया जाना है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दिखाई जानी है तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए जिसने मैदान बनाया और तमाम दरूद उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिसने हमें मैदान से पार जिसने हमें मैदान पे पार लगवाना है तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए जिसने कोसर बनाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में कोसर को जिसकी मुट्ठी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी में कोसर को अता कर दिया हजरात अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है हर चीज़ का मालिक है अल्लाह ताला जिस तरह अपनी सफात में अपनी हर सिफत में अल्लाह ताला जिस तरह वाहद है उसी तरह उसने अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने जैसा हर सफात में मुनफरद बना लिया है हर सफात में वाहद बना लिया है एक तौहीद अल्लाह है जो अल्लाह ताला की तौहीद है कि अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है कोई सानी नहीं है कोई भी उसके पाए का नहीं है एक तौहीद जो है वो उसके महबूब की तौहीद है कि अल्लाह ताला ने
جو کچھ بھی بنایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوہ قدرت میں عطا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے کے لیے اپنے لیے الفاظ یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، کہ میں سارے جہان کا رب ہوں، وہیں اپنے محبوب کے لیے جب محبوب کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے میرا محبوب جو ہے وہ رحمت العالمین ہے، کہ یعنی کہ جس کا میں رب ہوں اس کے لیے اب رحمت کون ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو حضرات، جس کو بھی عظمت ملی ہے وہ کدھر سے ملی ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ جنت بنی ہے تو جنت میں، جنت کے دروازوں پہ، جنت کے در و دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جنت کے در و دیوار پہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہوا ہے۔ جنت میں فرشتے ہیں، جنت میں حورے ہیں، وہ کیسے بن رہی ہیں؟ کہ فرشتوں کی جو گال پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے، حوروں کی آنکھوں میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ مقام محمود ہے تو مقام محمود کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گر ہونا ہے، وہ بھی اس لیے بنایا گیا ہے۔ جس چیز کو بھی عظمت مل رہی ہے، جس چیز کو بھی عظمت ملنی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کیسے بن گئے ہیں؟ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے معراج کے واقعے کی تصدیق کر کے صدیق اکبر بن گئے ہوں گے۔ عمر فاروق کس طرح فاروق بن گئے ہوئے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ عدل کر کے، سر قلم کر کے فاروق اعظم بن گئے ہوئے ہیں۔ عثمان غنی کس طرح عثمان غنی بن گئے ہوئے ہیں، وہ عثمان غنی اس طرح بن گئے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جتنی اپنا مال تھا وہ نشاور کرتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنی بنا دیا، ان کو جنت کا مالک بنا دیا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نے عثمان کو دے دی ہے، جنت عثمان نے خرید لی ہے۔ اسی طرح شیر خدا، وہ شیر خدا کس طرح بن گئے ہیں؟ وہ بھی اس طرح بن گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یعنی کہ عظمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں ہے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی مرضی مائیں ہیں، سب سے افضل جو ماں ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ حضرت آمنہ، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسے فضیلت کدھر سے مل گئی ہے؟ اسے فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی ہے۔ سنینین کریمین کو جنت کا سردار بنا دیا ہے، اسے نسبت کس سے ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے وہ افضل بنتا جا رہا ہے۔ اب ساری امتیں ہیں، ساری امتوں میں افضل امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہم افضل خود سے ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہم افضل خود سے نہیں ہو گئے ہیں، ہم گناہ کو ساری امتوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں ایک ایک گناہ ہوتا تھا، اب کی جو امت محمدیہ ہے اس میں سارے کے سارے گناہ ہیں، پھر بھی ہم افضل کہتے ہیں کہ ہماری زبان پہ وہ لفظ آ گیا ہے محمد رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مخاطب کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش دیکھنا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے جی۔ ایک گناہ گار تھا، 100 سال اس نے گناہ ہی کیے، کوئی عمل نہیں تھا اس کے پاس، ہر ایک کو تنگ کیا، ہر ایک کو پریشان کیا۔ جب وہ مر گیا، مٹی ہو گیا، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے اٹھا کے اس کو کوڑے کرکٹ پہ پھینک دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ میرا اس پر پسیدہ بندہ ہے، اس کا غسل دو، اسے نہلاؤ دہلاؤ، اس کا کفن کرو، جنازہ پڑھاؤ، اور ساتھ میں اعلان کر دو جو اس کا جنازہ پڑے گا وہ بخشا جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور اس کے بعد میں پوچھا کہ یا اللہ اسے یہ عظمت کیسے مل گئی ہے؟ یہ تو بڑا ظالم تھا، یہ تو بڑا جابر تھا، اسے یہ فضیلت کدھر سے مل گئی ہے؟ اسے یہ فضیلت اس طرح ملی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے تورات کھولی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تھا، اس نے چون کے
जो अंगूठे हैं अपनी आंखों को लगा लिए, उसे मोहब्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को चूमना है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही कमाल है। तो उसके सारे के सारे जो गुनाह थे वो भी माफ़ हो गए, और बाकी जितने पढ़ने वाले थे वो भी जन्नती हो गए। वो किस तरह जन्नती हो रहे हैं, इसके जो अमाल हैं वो सारे के सारे किस तरह अल्लाह ताला इसको जन्नत में टिकट दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बदौलत दे रहा है। अब सारा का सारा जो मकसद है अल्लाह ताला का इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। जिस भी काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसे मंजर कर देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान नहीं मानते, तो वो काम वो अमल आपका ज़ाया हो जाता है। अब नमाज अल्लाह ताला की है जी, तो नमाज पढ़ रहे थे सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बड़े सहाबा कराम, जब किबला जो है चेंज होने का, तब्दील होने का हुक्म हुआ है, तो सारे के सारे नमाज पढ़ रहे थे। अमल तो ये है कि नमाज पढ़नी है, नमाज किबला रुख होती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी थी कि किबले को चेंज करना था, तो किबला चेंज हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख चेंज किया। अब रुख चेंज कर लिया, नमाज तो होती है किबला रुख, लेकिन सिद्दीक़ अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जा रहे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जा रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जा रहे हैं, हज़रत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जा रहे हैं, दीगर जो अमान वाले सहाबा कराम थे वो सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जा रहे हैं। दो तरह के ग्रोह बन गए, एक तो जिन्होंने ज़ाहरी क़िबला देखा, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस देखा, बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही अपना मुँह रखा, तो वो अल्लाह ताला हुक्म क्या फरमाता है कि इन्होंने अमाल को अहमियत दी है, इन्होंने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमियत नहीं दी है, हालांकि वो सही थे, लेकिन अल्लाह ताला क्या हुक्म फरमाता है कि जैसा मेरा नबी है, जिधर को मेरे नबी का रुख है मेरा किबला भी उधर है। मेरा असल मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे ताबेदारी करवानी, ना कि ये अपनी इबादत करवानी। अल्लाह ताला की इबादत भी तभी कबूल होती है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी हो। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि अगर तुम मेरी इताअत करना चाहते हो तो मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो तो मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अगर तुम कोई गुनाह कर लेते हो, गुनाह भी कर लेते हैं, तो फिर भी अल्लाह ताला क्या हुक्म फरमाता है कि आप मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार पे चले आओ, और अगर ये हुक्म फरमा दें, अगर ये आपकी सिफारिश कर दें, तो आप मुझको बड़ा रहीम व गफूर और बख्शिश करने वाला पाओगे। तो सारी की सारी आपकी जितनी भी इबादत हैं उसमें मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करवाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैर एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं जितने भी नमाजें हैं या दीन के जितने भी सारे के सारे अमाल हैं वो सारे के सारे करूँगा, लेकिन मुझसे दो नमाजें नहीं पढ़ी जाती, एक इशा की नमाज थी और एक असर की नमाज थी, कि ये नमाजें जो है वो मुझसे अदा नहीं होनी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बाकी तीन पढ़ो, दो की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ो, वो उसके लिए ही था। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म हुआ कि जब तक हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके नकाह में है, तब तक आप दूसरा नकाह नहीं कर सकते, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका आपको हुक्म दे दें वो ही करना है, जिससे आपको रोक दें उससे आपने रुक जाना है। यही सारे का सारा दीन है, यही सारे का सारा ईमान है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। जान बचाना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, अगर आपकी जान पे बनाती है, इवन यहाँ तक कि आप कलमा भी छोड़ दें ज़ाहरी तौर पर अपनी जान बचवाएँ कि मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, ज़ाहरी तौर पर छोड़ दें, दिल पर ना छोड़ें, तो अपनी जान बचाएं। जान बचाना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, ये अल्लाह ताला आपको सिखा रहा है, आपका दीन आपको सिखा रहा है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्बान जाइए कि वो गारे शोर में क्या कर रहे हैं कि अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि जान बचाओ, ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है।
लेकिन सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के पीछे जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जान देनी ही देनी है। तो वो नेकी, सबसे बड़ी नेकी किस तरह बन गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की सारी नेकियां इकट्ठी कर ली जाएं और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की होकार वाली जो नेकी है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा जो फ़र्ज है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में कुर्बान किया है। उनका जो महवर है, उनका जो मरकज है, उनका जो ताबेदारी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी, तो लिहाजा वो सबसे बड़े नेककार हैं, उनकी नेकी सबसे बड़ी नेकी है। तो आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है, जितना भी करते हैं, हम कर कुछ भी नहीं सकते, जो भी कुछ करते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत से करते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से करते हैं। एक हमारी बहुत बड़ी कह लें कि गलत फहमी है, एक हमारी बहुत बड़ी गलत सोच है कि हम जो भी गुनाह करते हैं, हमसे जो भी गलती सरजद हो जाती है तो हम फौरन ब्लेम किसे करते हैं, शैतान को करते हैं। हमने अपने जहनों में, हमने अपने दिलों में शैतान को उजागर किया हुआ है। लेकिन जब हम कोई नेकी करते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद क्यों नहीं आती? क्या नेकी आप खुद से कर लेते हैं? नमाज आप खुद से पढ़ लेते हैं? अगर शैतान आपके खून में तोड़ सकता है, आपकी सोच में आ सकता है, आपके दिल में गुमान डाल सकता है, तो मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं डाल सकता? आप कोई भी अमल करें, आप पानी पीते हैं, बैठ के पीते हैं, तो वो आपने खुद से सीख लिया है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि आपको पता है कि बैठ के पानी पीना है। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट करेंगे तो आप पे करम हो जाएगा। आप अपने घर में जाते हैं, अपने माँ बाप के चेहरों को देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेट कर दें, उसका तल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बना दें कि ये जो इज्जत है माँ बाप की, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि प्यार से अपने माँ बाप के चेहरों की तरफ देखना है, तो फिर कितने के गुनाह कर सकते हैं आप? तो घर में जाएं, अपने माँ बाप के चेहरों को प्यार से मोहब्बत से तक लें, आपके सारे के सारे गुनाह माफ हो रहे। वो गुनाह कैसे माफ हो रहे? वो गुनाह ऐसे माफ हो रहे हैं कि आप उस जो अमल है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे कर, कितने का गुनाह कर सकते हैं? मकबूल तरीन हज का सवाब मिलता है। वैसे हज करना हो जी, दरख्वास्त निकलती है, नहीं निकलती, 5 लाख 10 लाख लगे, फिर पता नहीं कबूल हो या ना हो, लेकिन इधर क्या है, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं तो दिन में अगर 100 मरतबा भी आप अपने माँ बाप के चेहरों को देखते हैं और उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऐसा नबी तूने हमें दिया कि जिसकी वजह से हमें माँ बाप की ज़्यारत करने पर मकबूल तरीन हज का सवाब मिल रहा है, तो आप इस तरह बन जाते हैं जिस तरह अभी दुनिया में आए। तो जो भी अमल करते हैं, आप पानी पीते हैं, जितना भी कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट करें। जिस तरह आपकी ये सोच है कि जो भी गुनाह कर रहे हैं उसके पीछे शैतान है, तो ये सोच भी रखें कि आप जो भी नेकी कर रहे हैं, आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके पीछे आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम है, तो इंशाल्लाह आपका नबी आपकी, अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि मैं शारक से ज़्यादा करीब हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जानों से ज़्यादा करीब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस करके देखें, वो तो हमारी जानों से भी ज़्यादा करीब है। आपके उठने, बैठने, चलने फिरने में जो भी अच्छा तरीकाकार है, जो भी अच्छा अमल है, जो भी ऐसी सोच है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अल्लाह ताला हमें जो अल्लाह ताला की नेमत कुबरा है, जो उसका हबीब है, उसका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सदकाए सिद्दीक अकबर है, नहीं आँखों में अज़र आपका चेहरा।
جہنم کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، جو مدینے میں مر گیا جنتی، بے شک سبحان جس نے دعا کی وہ بھی جنتی سبحان اللہ. اس بات یہ صدیق یہ عمر فاروق کی دعا ہے، اس کی نسبت سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی نور ارش محمد.